Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 12 August 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. तो The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं आज हम उन्हें यहाँ पर discuss करने वाले हैं. तो आज के topics देखते हैं. पहला article है हमारा Tungabhadra Dam से related. यहाँ पर हम देखेंगे कि Tungabhadra Dam के जब यहाँ पे gate open हुए तो एक जो gate था वो उसका जो पूरा crest था वो पूरी तरीके से यहाँ पर water के flow के साथ क्या हुआ टूटकर बाहर आ गया. तो इसके बारे में हम discuss करेंगे. Second article ये जो तीन आर्टिकल है हमारे वो आपके एडिटोरियल सेक्शन से हैं द हिंदू के. ये जो तीन आर्टिकल है सेकंड एंड थर्ड ये एडिटोरियल सेक्शन से हैं द हिंदू के. फिफ्थ सिक्स एंड सेवन ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं. तो इसमें हम बात करेंगे पहला क्या है थ्री नेबरहुड क्वेश्चन. तो यहाँ पर इस टाइम पर अफगानिस्तान बांग्लादेश और मालदीव्स यहाँ पर इन तीन नेशन की बात की जा रही है. तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे. सिक्स आर्टिकल है हमारा प्रोविजन टू स्किप सॉरी ये स्कीम नहीं है स्किप लोकल ट्रायल्स. तो यहाँ पर जो लोकल ट्रायल्स यहाँ पे स्किप किए जा रहे हैं इसके कुछ प्रोविजंस हैं यहाँ पर हम देखे जाएंगे है ना. कि मतलब कि हम जैसे जो हमारे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमने कोई भी वैक्सीन यहाँ पे बनाई कोई भी नया ड्रग यहाँ पर बनाया तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है. तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हम यहाँ पर जो ड्रग्स है उसका जो आप क्लिनिकल ट्रायल है उसे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं. किस बेसिस पर हम स्किप करेंगे वो हम देखेंगे. लास्ट में हम बात करेंगे मेगा क्वेक एडवाइजरी. अभी थर्सडे को आप सभी को पता होगा जापान में 7.1 मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या आया था अर्थक्वेक आया था. बहुत ही मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस यहाँ पर ये था. तो ये क्यों आया था यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके सो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी एडवर्स आईएएस. ये टेलीग्राम चैनल है मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला आर्टिकल हम देखते हैं Tungabhadra Dam गेट स्वेप्ट अवे इन कर्नाटका फ्लड वार्निंग इशूड. आप देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर ये Tungabhadra Dam है ठीक है Tungabhadra Dam है. इवन यहाँ पर भी आप देखिए तो ये जो गेट था है ना वो पूरी तरीके से वाटर के साथ यहाँ पर क्या हुआ पानी के साथ यहाँ पर बह गया. तो ये कहा जा रहा है कि जो डाउनस्ट्रीम जो मतलब एरियाज है वहां पर फ्लड के वार्निंग मतलब इशू जो वार्निंग है वो यहाँ पर इशू कर दी गई है. तो अब यहाँ से हमारे लिए क्या निकल कर आता है Tungabhadra Dam ठीक है. सो Tungabhadra Dam क्या है Tungabhadra Dam ऑल्सो नोन एज पंपा सागर. ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर निकलता है क्या Tungabhadra Dam को हम पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं. ये किस पर बना हुआ आपका Tungabhadra रिवर इन द होस्पेटाय बल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इट वॉज बिल्ड बाय डॉक्टर तिरुमलाई अयनार इन 1953. तो देखो आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बस आप थोड़ा सा यहाँ पर ईयर देख सकते हैं कि 1953 में इसको क्या किया गया था बनाया गया था. ये किस रिवर के ऊपर है आपका Tungabhadra रिवर के ऊपर है और इसको हम पंपा सागर के नाम से भी जानते हैं. कभी क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं कि पंपा सागर डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है. तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पंपा सागर मीन्स Tungabhadra की यहाँ पर बात हो रही है. सो वो कहाँ होगा आपका Tungabhadra रिवर में. तो अब हम Tungabhadra रिवर की बात करते हैं. सो इट इज अ मेजर रिवर इन साउथ इंडियन पेनिनसुला. हम साउथ इंडियन पेनिनसुला में बात करते हैं ये आप पहले मैप देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ठीक है. ये है Tungabhadra रिवर ठीक है. Tungabhadra रिवर यहाँ पर दो रिवर आती हैं. एक आती है भद्रा और दूसरी होती है यहाँ से तुंग रिवर. ये दोनों यहाँ पर आपस में मिलती हैं और मिलकर यहाँ से जाती हैं तो ये क्या बनता है आपका Tungabhadra रिवर. आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ और ये भी सेकेंड हुआ. और Tungabhadra जो रिवर है वो आपकी कृष्णा रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरी है. कृष्णा रिवर कहाँ है ये आप देखेंगे. सो ये है कृष्णा रिवर और कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी आपकी Tungabhadra रिवर. ओरिजिन की हमने जैसे बात करी कि यहाँ पर यूनियन होता है तुंगा एंड भद्रा दो रिवर का इसलिए इस रिवर का नाम क्या है आपका Tungabhadra रिवर. बोथ द तुंगा एंड भद्रा रिवर ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है. कोर्स की जैसे हम बात कर लेते हैं सो देखिए इट फ्लोस इन अ मोर और लेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग कृष्णा रिवर एट संगा मलेश्वरम इन आंध्र प्रदेश. तो ये कृष्णा रिवर से कहाँ मीट करती है संगा मलेश्वरम में आंध्र प्रदेश में ठीक है. फिर ये कृष्णा रिवर से यहाँ पर मीट करती है फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये यहाँ पर एंड होती है ठीक है. इस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है आपकी 531 किलोमीटर. तो इतना आपको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना है सिर्फ ये देखना है Tungabhadra रिवर आपकी टू स्टेट से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में क्या होती है ये यहाँ से फ्लो होकर जाती है. और ये क्या करती है जो साउथ वेस्ट मानसून है इसको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है.
मेजर ट्रिब्यूटरीज यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं. सो वर्दा रिवर एंड हगारी, जिसको हम वेथई रिवर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं. सो इट रिसीव अस सेवरल डैम्स एंड रिजर्वर बिल्ट ऑन इट, इंक्लूडिंग द तुंगा एनिकट डैम, भद्रा डैम एंड द हेमावेथी डैम एंड द तुंगभद्रा डैम. तो इस रिवर के ऊपर आपके सिर्फ तुंगभद्रा डैम ही नहीं है, और भी यहाँ पे डैम्स जैसे तुंगा एनिकट डैम, ओके, भद्रा डैम, हेमावेथी डैम एंड तुंगभद्रा डैम. ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर तुंगभद्रा डैम और रिवर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज पार्टीज सीरियस क्राइम्स एंड द नीड फॉर जुडिशियल क्लैरिटी. देखिए यहाँ पर पमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे एक बार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यहाँ पर क्या करता है. ठीक है, सो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. लॉन्ड्रिंग का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि हम कपड़ों की, आपकी लॉन्ड्रिंग होती है, साफ सफाई होती है, मतलब कपड़े वॉश होते हैं, तो वो होता है लॉन्ड्रिंग. मतलब कि गंदे कपड़ों को हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ड्री में भेज रहे हैं, मतलब गंदे कपड़े जो है आपके यहाँ पर क्लीन होने के लिए. इसी तरीके से क्या होता है, आपका जो पैसा होता है, कुछ हम ब्लैक मनी से, आपके पास यहाँ पर अगर ब्लैक मनी है, लेकिन आप क्या करना है उसको, आप उसकी जो आपका ब्लैक मनी है आपको उसे व्हाइट करना है. मतलब कि आपने उसे इलीगल तरीके से क्या किया है, अर्न किया है, बट आप उसे चाहते हैं कि आप उसे क्या करें, लीगल बना दें कि हाँ ये यहाँ पर इलीगल तरीके से अर्न नहीं किया, ये ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है. तो हम यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज करते हैं. तो जो लोग यहाँ पर ब्लैक मनी में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पमला एक्ट उनके ऊपर यहाँ पर आता है. और पमला एक्ट के तहत ईडी, जो हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर उनको लगता है, जिसके ऊपर भी यहाँ पर लगता है कि इनके पास ब्लैक मनी है, इन्होंने ब्लैक मनी को यहाँ पर बनाया है सारी चीजें, तो वो उन लोगों को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं. इतना आपको क्लियर होगा. अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है. उसके बाद हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सिसोदिया जी, अभी यहाँ पर वो जेल से बाहर आए हैं, वो भी यहाँ पर, इनको बेल पिटीशन ये सारी चीजें हुई थी, तो उनको भी इसी एक्ट के तहत यहाँ पे क्या किया गया था, आपका अरेस्ट किया गया था. इतना आपको यहाँ पे क्लियर हुआ. तो अभी देखिए इसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पमला एक्ट. पमला एक्ट में एक सेक्शन है आपका, सेक्शन की बात करते हैं, उसके तहत ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पमला एक्ट के तहत ईडी ने किसी को यहाँ पर अरेस्ट किया है, क्या किया है यहाँ पर अरेस्ट किया है, तो अगर उसे पहले बात तो बेल नहीं मिलती, इजिली उन्हें बेल नहीं मिलती, और बेल मिलती है तो इसके लिए यहाँ पे दो प्रोविजंस हैं. पहला प्रोविजन ये क्या कहता है कि जो भी पर्सन यहाँ पर गिल्टी है उसे खुद ही प्रूव करना होगा कि वो यहाँ पर गिल्टी नहीं है, पहला चीज ये. सेकेंड यहाँ पर उसको कोर्ट को ये इन्फ्लुएंस कराना होगा, उसे यहाँ पे ये मतलब कि सहन मतलब दिलानी होगी कि हाँ वो बाहर निकलेंगे, अगर वो बेल पर जाते हैं तो वो किसी भी एविडेंस से यहाँ पर छेड़खानी नहीं करेंगे. तो ये दो प्रोविजन है जिस बेसिस पर क्या होता है पमला एक्ट के तहत जो भी यहाँ पर पर्सन है उसको यहाँ पर बेल प्रोवाइड की जाती है. अभी ये पूरा इशू कहाँ चल रहा था, आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट में इवन कई बार क्या हो रहे थे कि ईडी जो थे फ्रिक्वेंटली यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे थे कि पमला एक्ट के तहत वो अरेस्ट कर रहे थे, उनको सिर्फ यहाँ पर क्या था, शक था कि ठीक है मतलब कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो सकती हैं. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कई बार यहाँ पर ऑर्डर भी दिया है कि जब तक आपके पास फुल प्रूफ एविडेंस ना हो आप क्या करते हैं, पहले पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर एविडेंस यहाँ पर क्या करते हैं, ढूंढते हैं. लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पहले आपको एविडेंस कंक्रीट आपके पास जब अगर एविडेंस है उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसे यहाँ पर्सन को यहाँ पर अरेस्ट करेंगे, पहली चीज तो ये हो गई. दूसरे यहाँ पर अभी मतलब कि कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने किसको यहाँ पर किया है, अरेस्ट किया है, किसी इंडिविजुअल को किया है, है ना. इसमें मेनली क्या होता है, किसी आप इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, पमला एक्ट के तहत यहाँ पर आपका अरेस्ट किया जाता है और उसको उसके यहाँ केस चलता है आपका. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया गया कि ठीक है वो किसी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, हम पॉलिटिशियंस की अभी बात करें, ठीक है, वो किसी एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो क्या यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी भी आपकी उतनी ही यहाँ पर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी, ये यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आपका निकल कर आता है. और मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि ऐसा कहा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं. सेकेंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका ये अराइज होता है
कि लाइक आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी तो बहुत सारे यहाँ पर क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है. कुछ गुड पॉलिसीज होती है, कुछ बैड पॉलिसीज होती है. तो क्या हम बैड पॉलिसीज के तहत क्या उनको भी यहाँ पर मतलब पम्ला एक्ट के तहत मतलब पम्ला एक्ट के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. जुडिशियल क्लैरिटी की अभी हमें जरूरत है. कुछ जो सीरियस क्राइम्स हैं, पार्टीज हैं, क्या हमें पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ पर पम्ला एक्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए? अगर हमें उनके अगेंस्ट में हमें कुछ ऐसा गिल्टी मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं, तो ये अभी सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं. देखिए अभी ऐसा जिसमें यहाँ पर कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये देखें, ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द परव्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज. अगर यहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हम उस परव्यू में लेकर आते हैं, सो इससे हमें बहुत बड़े आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. इन अ कंट्री वेयर पॉलिटिकल पार्टी वैधता इज ऑलमोस्ट एन एक्सेप्टेड मेथड ऑफ डीलिंग विद पॉलिटिकल एडवाइजरीज, सच एन एक्शन वुड मेक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वल्नरेबल. बट अगर हम ऐसा करते तो इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो कैसी हो जाएंगी, वल्नरेबल हो जाएंगी. सो देयर इज देयरफॉर एन अर्जेंट नीड ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू क्लैरिफाई द लॉ इन दिस रिगार्ड एंड ऑल्सो अबाउट द कल्पेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर फॉर अ कैबिनेट डिसीजन. तो यहां पर मतलब यही है कि कई बार क्या होता है, कुछ कुछ मिनिस्टर्स कुछ ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है, कोई भी बिल है, वो हम ऐसा माने कि मतलब वो सही नहीं है, खराब है. तो क्या उनको भी हमें इसके परव्यू के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उन्हें हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन यहां पर अराइज होते हैं. तो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी को इस चीज को यहां पर क्या करना होगा, क्लैरिफाई करना होगा. ओके, दिस वन इज क्लियर. नाउ ये आर्टिकल देखिए, हम नेक्स्ट आर्टिकल के यहाँ पे बात करते हैं. क्या कह रहा है ये, अ न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी वुड हैव अवॉइडेड ओलंपिक एगोनी. तो देखिए इस आर्टिकल में मेनली हम किसके बारे में बात करें, विनेश फोगाट जी के बारे में बात करें. ठीक है, आप सभी को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, है ना. वो 50 केजी रेसलिंग में फाइनल में पहुंचे, लेकिन उनका 100 ग्राम ऑफ वेट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालिफाई यहां पर हो जाती हैं. इतना आपको क्लियर हुआ? अब यहां पर वेरियस चीजें हैं, साइंस आपकी इन्वॉल्व होती है इसमें, वही सारी चीजें हैं कि प्रिसाइज न्यूट्रिशन यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग है, हर एक पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, माइक्रोबायोम जो होते हैं आपके, इवन जो हमारा गट्स होता है. हमने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर आप लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा तो मेक श्योर आप कल का सेशन यहां पर जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि संडे को क्या होता है, यहां पर साइंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं. सो आप लोग उन्हें जाकर एक बार जरूर देखिएगा. तो देखिए गट्स में हमने कल डिसबायोसिस के बारे में यहां पर पढ़ा था. डिसबायोसिस में क्या होता है, जब हम एंटीबायोटिक्स का यहां पर कंजप्शन ज्यादा करने लगते हैं, तो हमारे गट में जो इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो स्वाइप अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उनके प्लेस पर उन्हें कौन रिप्लेस करता है, यहाँ पर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं. सो यहाँ पे माइक्रोबायोम्स का भी रोल होता है. हमारी बॉडी जो है वो फूड और कैलोरीज पर किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है, ये सारी चीजों की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें क्या करती है, मॉनिटर करती है. तो देखिए ये तो हो गया. अब दूसरी चीज यहाँ पर आती है, देखिए ओलंपिक्स में जा रहे हैं आपके, इस तरीके से आप बात देखेंगे. अभी जो अगर आप ओलंपिक्स का यहाँ पर टेबल देखेंगे कि किस कंट्री ने यहाँ पर कितने यहाँ पर मेडल्स को क्या क्या जीता है, तो उसमें यूएस सबसे नंबर फर्स्ट नंबर पर आता है, उसके बाद यहाँ पर चाइना आता है. ठीक है, इंडिया के पास यहाँ पर मतलब आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री आज के टाइम पर कौन सी है, आपकी इंडिया पर. ठीक है, लेकिन अभी हम जो आते हैं वो 71 नंबर पर आते हैं. हमारे पास अभी भी एक भी गोल्ड मेडल यहां पर नहीं है. क्यों नहीं है, देखिए इसके कुछ रीजंस होते हैं. पहला रीजन सबसे बड़ा आपका जो आ जाता है क्या, एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक है, हम मेनली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, थ्योरेटिकल है. हम प्रैक्टिकली अभी भी बहुत सारी चीजों पर प्रैक्टिकली बात नहीं करते, ऑल्दो हमारे यहाँ पे वेरियस अब हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल चीजों को भी यहां पर क्या करें, इन्वॉल्व करें. पहली चीज ये हुई. सेकेंड चीज हमें जो होता है आपके स्कूल्स में, आप नॉर्मल स्कूल्स में देखेंगे, स्पोर्ट्स पर बिल्कुल भी यहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है. स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है. इवन आप लोगों ने अब तो थोड़ा बहुत सारे स्कूल्स में यहाँ पर मतलब इनिशिएटिव लिए गए, स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, बट स्पोर्ट्स का यहाँ पर इतना मेजर रोल नहीं होता. यहीं से चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं. किसी भी एथलीट के लिए अगर हम बात करते हैं तो
किसी भी पर्सन की जो बॉडी होती है ना, वो आपकी बचपन से ही क्या होती है, अगर हम चाइल्डहुड से ही देखें, वहीं से क्रिएट होना स्टार्ट करती है। आपके मसल से आप, आपको उस तरीके की डाइट प्रोवाइड की जाती है। हम सिर्फ एथलीट्स की बात नहीं की, नॉर्मल भी हम बात करते हैं तो आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। मसल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम किसी चीज में यहाँ पर हम इन्वॉल्व होते हैं, है ना, किसी चीज में आप यहाँ पर अगर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेसिंग में हैं, तो रेसिंग के लिए आपको यहाँ पे कैसा खाना खाना चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आप कितना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना क्या सारी चीजें हैं, हर एक चीज की क्या आपको कैसे दौड़ना चाहिए, रनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे रन करना है, इसकी भी स्ट्रेटेजी होती है, सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका बचपन से ही क्या होता है, इनिशिएट होता है, लेकिन इस चीज की यहाँ पर हमें कमी देखने को मिलती है। सेकेंड, हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है, है ना। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, पहले क्या था, हम बाहर जाते थे, अच्छा खेलते थे, घूमते थे नॉर्मली, लेकिन आज के टाइम पर देखिए हम ज्यादातर जो टाइम है हमारा वो घर के अंदर ही रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा सा अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वहीं से थोड़े चेंजेस लाने होंगे, अवेयरनेस थोड़ी सी लोगों में फैलानी होगी कि सिर्फ देखिए हम बात करते हैं एजुकेशन की, ठीक है वो भी बहुत अच्छी चीज है कि पढ़ लिख कर हम कुछ ऑफिसर बन जाए, ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में भी हमारा बहुत करियर हो सकता है, तो इस चीज पर भी हमें फोकस करना होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर हम बात करते हैं, परफंक्टरी पैनिका। तो साइंटिस्ट नीड ग्रेटर फंडिंग फॉर रिसर्च नॉट नेशनल अवार्ड। तो अभी आप सभी को पता है कि इस मंथ में यहां पर 33 साइंटिस्ट को यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किया जाएगा, आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ आपका? तो इस आर्टिकल में देखिए, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, इस आर्टिकल में एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट को यहाँ पर जरूरत है किसके लिए, फंडिंग के लिए, है ना, जो भी वो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के लिए यहाँ पर फंडिंग की जरूरत है, ना कि अवार्ड की। ठीक है, अवार्ड तो यहाँ पर है उन्हें यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए, सारी चीजें के लिए, ताकि वो और अच्छा यहाँ पर काम करें, सारी चीजें हो, लेकिन हम अगर एक तरफ देखें तो अवार्ड मिलने से एक बार अगर वो मोटिवेशन मिल भी जाता है, लेकिन अगर उन्हें फंडिंग जब तक नहीं मिलेगी, उनके पास फंड्स नहीं आएंगे, तब तक वो कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे, सारी चीजें यहाँ पर आपकी हो पाएंगी। तो इसमें यही है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में। सो नेशनल अवार्ड रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पायरिंग साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर्स टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, तो उनका साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में, इन सब में जो भी यहाँ पर रिकॉग्निशन था उसको यहाँ पर क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। ये अवार्ड आपका 4 कैटेगरी में है। पहला क्या है, विज्ञान रत्न, जिस तरीके से आपका भारत रत्न होता, तो ये विज्ञान रत्न आपका हाईएस्ट है। फिर है विज्ञान श्री, फिर विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। तो ये 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें 13 डोमेन्स हैं आपके, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। तो ये 13 आपके डोमेन है जहां पर मेनली ये अवार्ड आपका दिया जाता है। ठीक है, द अवार्ड शैल बी अनाउंस ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका कब होता है, 11th ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हैं। और हम बात करते हैं नेशनल स्पेस डे, ये 23rd अगस्त को क्या किया जाता है, आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पेस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 23rd अगस्त को, क्योंकि इसी दिन आपका जो चंद्रयान 3 था उसने यहां पर लैंडिंग की थी, इसलिए हम 23rd अगस्त को एज अ नेशनल पीस डे के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल ये आपका यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है हमारे जो 3 नेबरहुड है उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ इसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे से यहाँ पर अवेयर हैं। सेकंड हम बात करते हैं फिर हम मालदीव्स की। ठीक है, यहाँ पर मालदीव्स की बात करते हैं, तो 17th ऑफ नवंबर को क्या होता है 2023 को, यहाँ पर आपके जो मोहम्मद मुजज़्ज़ी साहब हैं उन्होंने प्रेसिडेंट बने हैं, जो आफ्टर विनिंग उनका ये था कि उन्होंने, इनका एक कमिटमेंट ये था कि वो इंडिया का जो रोल है आइलैंड से, मतलब मालदीव से, उसको डिमिनिश कर देंगे, मतलब कम कर देंगे, और यहाँ पर चाइना की जो प्रेजेंस थी आपकी यहाँ पर बढ़ती है। ये हुआ आपका। उसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो 15 अगस्त 2021 यहां पर अफगानिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट होते हैं अशरफ घानी, वो यहां पर क्या
वो यहाँ पर मतलब कि कंट्री छोड़कर चले जाते हैं और तालिबान यहाँ पर क्या करता है, टुक ओवर करता है। तो यहाँ पर हमारे जो भी मतलब कि प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, सारी चीजें, हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में, वो पूरा एक तरीके से हमें इतना ज्यादा इसका मतलब फायदा नहीं मिला। तो हम पॉलिटिकल स्फीयर में देखते हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की क्लासेस से अगर हम इन इश्यूज को देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज इमर्ज होकर सामने आता है। सो इट कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ पॉलिटिक्स एज यूजुअल ऑन दीज मैटर्स। तो यहाँ पर हम लग्जरी को डिपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, फॉरेन जो हमारे पॉलिसीज होती है उसको कौन मैनेज करता है आपकी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर मैनेज करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, है ना, वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे इंडिया के एक्सटर्नल इंटरेस्ट होते हैं, है ना, बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में जो भी हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट है उसको कौन मैनेज करता है, इंडियन फॉरेन सर्विस यहाँ पर मैनेज करती है। 1968 में यहाँ पर क्या होता है आपका, इंडिया क्या क्रिएट करता है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस को यहाँ पर क्रिएट करता है। क्या करता है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सर्विस को यहाँ पर क्रिएट करता है विद द मैंडेट टू इंश्योर दैट इट डेवलप्स द स्किल टू एक्सप्लोर एंड ब्रिंग फोर्थ द सब तरह विच इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पर स्किल्स ऐसे डेवलप करेंगे जिससे कि जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया के इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर 19 हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम यहाँ पर एक न्यूक्लियर कंट्री बनते हैं। हमने यहाँ पर हमारे जो जैसे जैसे हम न्यूक्लियर कंट्री यहाँ पर बने तो हमारे चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ते गए। फिर हमने यहाँ पर देखा कि चाइना का जो राइज यहाँ पर होने लगता है, नेबरहुड में चाइना का राइज हुआ और हमारी जो हॉस्टिलिटी है, मतलब एक तरीके से दुश्मनी है, चाइना के दुश्मनी तो नहीं कहेंगे, मतलब कि टकराव चाइना के साथ हमारा ज्यादा यहाँ पर होने लगा। फिर 1999 में हमारा एक नया क्रिएशन होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जिसको कौन चेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर चेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेटजी पॉलिसी ग्रुप भी है, जो भी यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पर क्रिएशन होता है। उसके बाद एक आपका आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम ये कहा गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर को जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस इश्यूज, है ना, बिसाइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उस पर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेवेंट एक तरीके से क्या किया जाता है, आपका एडवाइस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस आर्टिकल में मतलब यही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। हमारे पास इतनी सारी बॉडीज हमने क्रिएट कर ली, सारी चीजें, स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली विद आवर नेबरहुड पॉलिसी की बात करते हैं, वो हमारी कैसी हो रही, फेल होती हुई नजर आ रही। तो इसमें हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमारे पास मतलब कि अब हमें यहाँ पर एक कंक्रीट एक्शन लेना होगा जिससे कि ये जो ओवरराइडिंग हमारी पॉलिसीज हैं, है ना, उन्हें हम क्या कर सके, यहाँ पर सही कर सके। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव पढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोविजंस टू स्किप लोकल ट्रायल्स फॉर सर्टेन ड्रग रेगुलेटर्स रैशनल। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे वैक्सीन हो या फिर ड्रग हो, तो उसका पहले हम ट्रायल करते हैं, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, अभी ये कहा गया कि जो द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने 7 अगस्त को क्या फॉर्मलाइज किया है कि जो सर्टेन कैटेगरीज के यहाँ पर ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब उनकी जो मार्केटिंग है और मैन्युफैक्चरिंग को विदाउट ट्रायल हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट में लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसे बना दिया और हमने इसको मार्केट में निकाल दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज से, अगर उन कंट्रीज ने क्या किया है, उस ड्रग को अप्रूव कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट क्लिनिकल ट्रायल उन मेडिसिन को, ड्रग्स को यहाँ पर मार्केट में लेकर आ सकते हैं। पहली चीज तो ये हुआ, इससे क्या हुआ, सेकंड, अगर हम लोकल ट्रायल नहीं करते तो पहली बात इसमें जो प्राइसेस होंगे वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हम बात जब लोकल ट्रायल हम ये सारी चीजें करते हैं तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, आपका टाइम भी लगता है और यहाँ पर ही कॉस्ट, इसका कॉस्ट भी यहाँ पर ज्यादा होता है। सेकेंड, यहाँ पर अवेलेबिलिटी आपकी ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंकेट अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो काम है, ये जो अप्रूवल अभी मिला है, सिर्फ इंडिया ने किया हो, इससे पहले हम बहुत सारे कंट्रीज की बात करते हैं। लाइक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ यूके का, यूके ने यहाँ पर पोस्ट ब्रेग्जिट से पहले क्या किया था, यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक जो अप्रूवल मेडिसिन के लिए, वो यहाँ पर जो रेगुलेटर्स थे यूएस के, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूए के रेगुलेटर से अप्रूव करवा लेते थे और फिर उस मेडिसिन को, जो भी ड्रग है उसको मार्केट में लेकर आते थे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का भी है,
Eli Therapeutic Goods Administration also has a fast track process for approval of products that have been green lighted for comparable overseas regulator of the US. तो यहाँ पर जैसे US है, Canada है, तो एक country दूसरे country से यहाँ पर approve करवाती है, दूसरे यहाँ पर इन लोगों से कराती है, तो इस तरीके से क्या होता है, जल्दी approval हो जाता है और जो medicine है वो market में यहाँ पर जल्दी available हम लोग के लिए हो जाती है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है. क्या कह रही है, फर्स्ट एवर मेगा क्वैक एडवाइजरी इश्यूड बाय जापान. व्हाट इज दिस मीन. अब ये मेगा क्वैक क्या होता है, देखिए यहाँ पर जापान में थर्सडे को 7.1 मैग्नीट्यूड का क्या आता है, अर्थक्वैक आता है, जिसने यहाँ पर पूरी तरीके से जापान को, जापान की बात करें, जापान को हिलाकर रख दिया. सो द कंट्री मेटोलॉजिकल एजेंसी यहाँ पर फर्स्ट एवर उन्होंने मेगा क्वैक एडवाइजरी को इशू किया है. अभी मेगा क्वैक एडवाइजरी क्या है इसके बारे में देखते हैं. अ वार्निंग सेड दैट देयर इज अ हायर देन नॉर्मल लाइकलीहुड अ स्ट्रांग शेकिंग एंड लार्ज सुनामी ऑन द ननकाई ट्रफ एंड सबडक्शन जोन अ रीजन वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर एंड हैवियर वन स्लाइड अंडर द अदर अलोंग जापान साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट. हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट मेजर अर्थक्वेक विल डेफिनेटली हैपन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड एडवाइजरी सीज. तो मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये वाला आपका जो रीजन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ननकाई दो. तो यहाँ पर जो आपकी फिलीपींस की सी प्लेट है और एमुराई ये जो सी प्लेट है, ये यहाँ पर कोलाइड होती है 1946 में, और 1944 में भी यहाँ पर इस तरीके का इतने हाई मैग्नीट्यूड का आपका क्या हुआ, अर्थक्वेक आ चुका है. तो ये जो ननकाई तो है, ये 900 किलोमीटर ये पूरा जो है ना आपका, यहाँ से आप देखेंगे, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा 900 किलोमीटर है. ठीक है, ये सबडक्शन जोन है, अंडर वाटर है ये. सबडक्शन जोन मतलब कि आपकी जो प्लेट्स हैं, फिलिपिन प्लेट्स हैं, वो यूरेशियन प्लेट्स यहाँ पर कोलाइड होती है. तो एक प्लेट क्या होती है, आपके यहाँ पर नीचे दबती जाती है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे आती जाती है. तो ये इस तरीके से आपका, ऐसे आप समझिए कुछ, ये इस तरीके की चीज है. एक प्लेट यहाँ से ऐसे आ रही है और दूसरी ये. तो यहाँ पर कौन कौन सी, यूरेशियन प्लेट और आपकी फिलिपींस प्लेट है, दो प्लेट्स हैं. ठीक है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, जापान के साइड में, ए सी ननकाई टफ यहाँ पर आपका क्रिएट होता है. सो द रफ हैज प्रोड्यूस लार्ज अर्थक्वेक रफली एवरी 100 to 150 ईयर्स. तो ये हर 100 से आपके 150 साल में क्या करता है, इस तरीके का लार्ज मैग्नीट्यूड का क्या करता है, अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट करता है. ठीक है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, एक बार यहाँ पर 1944 और 1946 में ट्विन अर्थक्वेक यहाँ पर हो चुके हैं. सो वॉट कैन बी द नेक्स्ट मेगा क्वेक अलॉन्ग द ननकाई दो अकर. तो इन जनवरी 2022 जापान अर्थक्वेक रिसर्च कमिटी सेड द नेक्स्ट मैग्नीट्यूड 8.9 मेगाक्वेक अलोंग द हैज 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग विद इन द नेक्स्ट 30 ईयर. तो अभी कहा जा रहा है कि 2022 में जापान के जो अर्थक्वेक रिसर्च कमिटी है, उन्होंने ये कहा कि 8 से लेकर 9 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो अगले 30 सालों तक के बीच में यहां पर क्या हो सकता है, आपका आ सकता है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम अर्थक्वेक को यहां पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो देखिए, हम यहां पर एक्यूरेट प्रिडिक्शन अर्थक्वेक का नहीं लगा सकते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हमें लगाना होगा तो इसके लिए हमें सिग्नल चाहिए विद इन द अर्थ, अर्थ के नीचे से हमें सिग्नल चाहिए. सो इंडिकेटिंग अ बिग क्वेक इज ऑन द वे, अ सिग्नल मस्ट ऑल्सो अकर ओनली बिफोर लार्ज अर्थक्वेक सो दैट इट डज नॉट इंडिकेट एवरी स्मॉल मूवमेंट्स. तो यहां पर देखिए, स्मॉल मूवमेंट्स भी आपके होते रहते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े आपके इस तरीके के मेगा अर्थक्वेक आते हैं, तो इसके लिए हमें विद इन द अर्थ क्या जरूरत है, सिग्नल की जरूरत है. तो अगर हम विद इन द अर्थ करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, चैलेंजिंग भी है. करेंटली देर इज नो इक्विपमेंट टू फाइंड सच प्री कर्सर्स. तो अभी हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इस तरीके के कोई प्री रिकर्सर्स चीजों को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें. दस द एडवाइजरी बाय जापान्स मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, उन्होंने क्या एडवाइजरी दी है, इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस, रॉबर्ट गैलर प्रोफेसर इमिट्स यूनिट यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर किसी भी साइंस रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर में हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें निकल कर आपकी आती हैं. तो ये था हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो. जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, देखिए दोनों न्यूज़पेपर से हमने यहाँ पर, ये भी न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन का ये आर्टिकल था, बाकी यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वही पुरानी चीजें, वायनाड के बारे में बताया जा रहा था, ये सारी चीजें, ये आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट था बस. तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर आपको कुछ चेंज करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल डे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.